महाराष्ट्र में मचे सियासी बवाल के बीच बड़ी खबर आ रही है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में बड़ा आरोप लगाया गया है। सामना ने लिखा है कि दिल्ली में बैठे बीजेपी के नेता महाराष्ट्र के तीन टुकड़े करने की साजिश कर रहे हैं, मुंबई को अलग करने की साजिश की जा रही है। बड़ी अपडेट इस वक्त देखिए, सामना के जरिए बीजेपी पर एक बार फिर निशाना साधा गया और कहा गया है कि दिल्ली में बैठे बीजेपी के नेता महाराष्ट्र के तीन टुकड़े करने चाहते हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। अंकित गुप्ता हमारे साथ मौजूद है, हमारे सहयोगी। अंकित, सामना के जरिए एक बार फिर निशाना और इस बार तो महाराष्ट्र के टुकड़े करने का आरोप। जी बिल्कुल, और जो सामना में जो संपादकीय लिखा गया है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि देखिए बीजेपी महाराष्ट्र के तीन टुकड़े करना चाहती है और ये जो बागी गुट है, जो शिंदे गुट है, क्या वो इसमें जो बीजेपी का साथ देगा। तो एक तरीके से बीजेपी के ऊपर भी निशाना साधा गया है और शिंदे गुट के ऊपर भी। और उसका हेडलाइन क्या दिया गया है, अगर हेडलाइन देखा जाए तो उसमें कहा गया है कि महाराष्ट्र इस पाप को स्वीकार करेगा क्या, तो ये सवाल भी उठाया गया है। लेकिन उसकी जो ये पूरा संपादकीय है, इसकी आखिरी की अगर हम जो सबसे लास्ट लाइन देखते हैं वो भी काफी महत्वपूर्ण नजर आ रही है, क्योंकि उसमें भी यही कहा गया है कि जिस तरीके से राव दानवे ने कहा है कि अगले दो तीन दिनों में सरकार बन सकती है उनकी, और वो अभी जो विपक्ष में है तो ज्यादा दिन ऐसा नहीं रहेगा, तो क्या महाराष्ट्र ये पाप स्वीकार करेगा। यानी कि ये जो संपादकीय है सामना का, ये अपने आप में बीजेपी और एकनाथ शिंदे के जो संभावित गठजोड़ है उसके ऊपर तो सवाल खड़े कर ही रहा है, लेकिन उसके साथ ही में ये भी इंडिकेट कर रहा है कि ये गठजोड़ मुमकिन हो सकता है और इसी वजह से ये पाप स्वीकार करेगा। यानी कि इसको अनहोली अलायंस अब ये बताने की कोशिश की जा रही है सामना के संपादकीय के जरिए। और लाइन क्या है कि महाराष्ट्र के तीन टुकड़े करने वाली पार्टी जो कि बीजेपी को पर आरोप लगाया जा रहा है, उसके साथ में एकनाथ शिंदे जाने की कैसे सोच सकते हैं। जी आदर्श, बिल्कुल अंकित, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। हमारे साथ बीजेपी के नेता किरीट सोमैया जुड़ गए हैं। किरीट सोमैया जी, कुछ देर पहले सामना जो कि शिवसेना का मुखपत्र है उसमें लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र को तीन टुकड़े करने की कोशिश हो रही है और ये अनहोली अलायंस होगा, अगर होगा तो क्या कहेंगे आप? हंसी आ रही है, यहाँ शिवसेना के टुकड़े 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 हो गए हैं। एक छोटा सा टुकड़ा जिसमें 10-12 विधायक भी नहीं है, वो उद्धव ठाकरे जी के साथ में 50 शिवसेना और समर्थक विधायक चले गए पार्टी में से, सरकार के टुकड़े हो रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने स्वयं स्वीकार कर लिया और इसलिए वर्षा से निकल गए। अब ये इस प्रकार की नौटंकी करना, ये तो उद्धव ठाकरे और संजय राउत से कोई सीखे। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य एक ही है, ये महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी की जो माफिया सरकार, जो भ्रष्टाचार और आतंक फैला रही है, उससे महाराष्ट्र की जनता को मुक्ति। जी किरण जी, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, बार बार एक तो सामना के जरिए हमले कर रही है बीजेपी पर शिवसेना, ये तीन जो टुकड़े महाराष्ट्र करने करने की बात हो रही है, कहां से निकल कर आई, क्यों इस तरह की बात की जा रही है? देखिए किरीट सोमैया को आप सुन रहे थे, और जिस तरह से सामना के जरिए हमला किया गया है बीजेपी के ऊपर, सीधे तौर पर हमला किया गया है, और यह कहा गया है कि अगर यह अलायंस होता है तो एक तो ये ठीक नहीं होगा और दूसरा बीजेपी की साजिश है कि महाराष्ट्र को तीन टुकड़ों में बांटा जाए। कहीं ना कहीं हमला सामना के जरिए किया जा रहा है और महाराष्ट्र के लोगों को, मराठी मानुष को इमोशनल करने की भी कवायद है, क्योंकि लगातार इस तरह की तस्वीरें हम देखते आ रहे हैं जब से ये पूरा विवाद शुरू हुआ है, और अब बयानों के जरिए भी कुछ ऐसी ही कोशिश। और इसीलिए महाराष्ट्र के लिए अगले 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। आइए आपको बता देते हैं कि महाराष्ट्र में बागियों के बिना बीजेपी अगर सरकार बनाने की कोशिश करती है तो आखिर ये कैसे संभव होगा। देखिए, महाराष्ट्र विधानसभा की संख्या इस वक्त कितनी है, 287, और इसमें अगर शिवसेना के 39 बागी विधायक फ्लोर टेस्ट में गायब रहते हैं तो सदन की संख्या 248 हो जाएगी, जो बागी सदन में मौजूद नहीं रहते हैं, सदन की संख्या हो जाएगी 248, और वैसी स्थिति में बहुमत के लिए 125 विधायकों की दरकार होगी, यानी कि फ्लोर टेस्ट होगा तो 125 की संख्या जरूरी हो जाती है। वहीं बीजेपी क्यों जीत को लेकर मुतमईन नजर आ रही है, इसको भी इन आंकड़ों से समझने की कोशिश हम कर लेते हैं। बीजेपी के पास 106 अपने विधायक हैं, ये देखिए, और निर्दलियों के पास 7, शिंदे गुट के जो निर्दलीय हैं उनके पास 11,
एमएनएस के पास एक, बहुजन विकास अघाड़ी के पास तीन, यानी कि कुल संख्या मिलकर हो जाती है 128। यानी कि राज ठाकरे की पार्टी हो या फिर बहुजन विकास अघाड़ी के तीन विधायक, इन सबको अगर हम मिला दें तो ये सारे आंकड़े जोड़कर 128 होते हैं, जो बहुमत के आंकड़े से ज्यादा है। दूसरी तरफ बीजेपी के सूत्रों के हिसाब से महाविकास अघाड़ी की सरकार अब अल्पमत में है। वो कैसे, वो भी समझ लीजिए। महाविकास अघाड़ी में शिवसेना के पास है 16 विधायक, एनसीपी के पास है 53, तो वहीं अनिल देशमुख और नवाब मलिक के जेल में रहने की वजह से संख्या, इसको दो अगर हम माइनस कर दे 53, तो हो जाती है 51। साथ ही कांग्रेस के पास है 44, और इनके अलावा इनको, उनको समाजवादी पार्टी के दो और तीन निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी मिल सकता है। तो ये कुल संख्या हो जाती है 116, यानी कि बहुमत से कम, बहुमत के लिए 125 से ज्यादा चाहिए, जो कि बीजेपी हासिल आसानी से कर सकती है। तो देखिए, ये सवाल जो उद्धव सरकार के कितने दिन बचे हैं सभी के मन में उठ रहा है, जिस तरीके से महाराष्ट्र का ये सियासी संकट लगातार हर दिन गहराता नजर आ रहा है। तो शिंदे गुट को सुप्रीम कोर्ट से संजीवनी मिली, जिसके बाद बीजेपी में हलचल बढ़ गई है। मौजूदा हालात पर मंथन करने के लिए बीजेपी ने एक बैठक की और सभी विधायकों को मुंबई में रहने को कहा। कि अभी भी हमने वेट एंड वॉच करते हुए, सुना आपने वेट एंड वॉच, मतलब साफ है अगर उधर सरकार गिरी तो बीजेपी की चांदी है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बीजेपी में हलचल तेज हो गई है। मुंबई में अचानक बैठक बुलाई गई और उसमें महाराष्ट्र के मौजूदा हालात पर मंथन हुआ। चर्चा के बाद ये तय किया है कि अभी भी हमने वेट एंड वॉच करते हुए आने वाले दिनों में जैसी परिस्थिति निर्माण होगी, महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने का निर्णय करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी साथ में आगे जाए। इसके साथ ही बीजेपी ने कहा कि वो शिंदे गुट को ही असली शिवसेना मानती है। 2/3 मेजोरिटी विधायक अगर एकनाथ शिंदे जी के पास है, हम उन्हें बागी कैसा कहेंगे। आज भी उनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि शिवसेना के मूल जो विचार हिंदुत्व का है, हम आज भी इस हिंदुत्व के विचार के साथ हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने दावा किया कि उसके पास एकनाथ शिंदे गुट से अभी कोई प्रस्ताव नहीं आया है। शिवसेना के ग्रुप लीडर, शिवसेना के गठनेता श्री एकनाथ शिंदे जी की ओर से हमें कोई प्रस्ताव आया नहीं है। लेकिन महाविकास अघाड़ी के नेता बीजेपी के इस दावे को मानने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की छाप है इस जो महाराष्ट्र में हो रहा है। आपने देखा मध्य प्रदेश में क्या किया इन्होंने, गोवा में क्या किया, उत्तराखंड में क्या करने की कोशिश की, अरुणाचल प्रदेश में क्या किया, राजस्थान में कोशिश करते करते खत्म नहीं कर पाए, सफल नहीं हो पाए। वहीं बीजेपी ने हर दिन बदलते घटनाक्रम को देखते हुए अपने सभी विधायकों को मुंबई में रहने के आदेश दिए हैं। शहर अंग्रेजी लगे हैं। वो बहुत दूर है। साहब को पता होगा।
देखो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं मेरी बेटी से जाके मिल लो शायद उसे मालूम हो। हाय बाबा ने भेजा है क्यूरियोसिटी नहीं क्यूरियोसिटी वो क्या दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर जो तुम्हें यहां तक ले आया क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।